आपकी क्या बात हुई उस किताब जीतने के बाद? आप भी काफी खुश थे, हम देख रहे थे फाइनल के दिन जिस तरह मीडिया वाइट ना आ पाए, आप बहुत खुश थे उसके बाद। और क्या लगता है कि कई बार एमसी स्टैंड ने जिक्र किया था उस घर पे कि मैं किताब के लिए नहीं आया हूँ, और लास्ट में जिस तरह उनकी गेम खुली और वो किताब जीती तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं यार, वो बंदा मतलब बाद में भी पार्टी में फरा मैम के पास आके बोला कि ब्रो सॉरी यार, मैंने तू क्यों सॉरी बोला है, पागल है क्या? वो टीम उसके दिल में ना बहुत दिल का साफ है, वो मतलब वो तब भी सोच रहा था शायद गलत हुआ ना कुछ, तो कुछ गलत नहीं हुआ ब्रो, जिसका हक था उसके हाथ में ट्रॉफी है और बट वो भी खुश है, और उसकी भी जो लाइफ यहाँ पे थी और यहाँ पे गई है, तो मुझे लगता है अभी उसके टूर भी है तो वो उस पर फोकस कर रहे हैं। मैं भी अभी अपने जो जो काम आ रहे हैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, बट हो गया, सब हो गया, अच्छा हुआ, और दोनों भाई खड़े थे इसी में, मुझे लगता है ये जीत थी, बड़ी सी जीत थी कि जो बातें हम जस्ट करते हैं ना अपने कॉलेज वाले फ्रेंड, सब देते यार ब्रो अपना एक बंगला होना चाहिए मुंबई में, कभी हम तू इधर रहेगा मैं उधर रहूँगा, ऐसे बहुत बातें करते हैं। वैसे ही दो दोस्त ने बात की थी वो माइन के घर में, और वो सच्ची में पूरी हुई, और वो कितने खुश थे हम जब दो लोग घर पे बचे थे, वो आपने देखा होगा इतने जंप कर रहे थे हम लोग, तो हैप्पी था मैं और अभी वो भी हैप्पी। शिव, अब काफी सारे ऑफर्स आपको आ रहे हैं, सबसे बड़ा खतरों की खिलाड़ी का ऑफर आया है आपको, किस तरह से आप अपनी लाइफ आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, क्योंकि जिस तरह आपकी आपको प्रोजेक्ट आते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि किस बहुत सारे करेक्ट प्रोजेक्ट पे मैं हाथ डालूँ तो मुझे और आगे बढ़े, तो किस तरह से आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहोगे? अभी मैं सच्ची कहूँ तो एक जो पहला स्टेप है वो खतरों के खिलाड़ी के साथ साथ मैं फिल्म का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कुछ तो और मैजिक हो जाए, जो चीज़ मेरी हाथ से चली गई है फिर मैजिक वाली कोई फिल्म का ऑफर आ जाए, जो अभी तक नहीं आया, कि शिव करण जौहर बात करो या रोहित शेट्टी बात कर रहा हो, यहाँ पे जो भी बड़े डायरेक्टर हैं एक फिल्म बना रहे हैं, आप करोगे उसमें इस चप्पल, ये वाली चीज़ अगर होती है और बट थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, बट कुछ चीज़ें हो रही है जो नॉर्मल नहीं है मेरे लिए, बहुत सारी कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं, वो खुली बड़े बड़े सॉन्ग्स भी मैं करूँ और खतरों के खिलाड़ी करूँ और मेन है फिल्म करूँ यार, वो होपफुली पूरा हो, बट मज़े आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।